एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। पिंकी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए टुनटुनी जंगल जाकर फल लाकर अपना गुजारा चलाती थी। उन दोनों के पास अपना घर भी नहीं था, वो किराए के घर में रहते थे। बहुत दिनों से टुनटुनी ने किराया नहीं दिया, इस वजह से घर के मालिक ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो दोनों बेघर हो चुके थे। वो अपने साथ एक फल की टोकरी लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। एक घने जंगल में पहुंचने के बाद उन दोनों की नज़र एक बूढ़ी चिड़िया पर पड़ती है। अरे दीदी, वो देखो, वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई है और मुझे लगता है शायद वो कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ पिंकी, तो सही कह रही है, लेकिन पता नहीं हमें उसके पास जाना चाहिए या नहीं। कहीं वो हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगी, या वो कोई जादूगरनी तो नहीं है, वरना इस घने जंगल में भला कोई क्यों बैठेगा। यहाँ पर बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं। तुम्हारी बात तो सही है दीदी, लेकिन ये भी तो सोचो, वो भला रो क्यों रही है। ये भी हो सकता है कि उसे हमारी मदद की जरूरत हो और वो किसी मदद करने वाले का इंतजार कर रही हो। हाँ हाँ पिंकी, ये भी सही है। चल एक काम करते हैं, हम उस बूढ़ी चिड़िया के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों है और उसे क्या मदद चाहिए। ये कहकर दोनों बहनें उस बूढ़ी चिड़िया के पास चली जाती हैं। दादी अम्मा, आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? आपको पता नहीं है यहाँ पर ढेर सारे जंगली जानवर रहते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। आपको अपने घर नहीं जाना? क्या कहूँ बिटिया, मेरा कोई घर नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं बहुत भूखी हूँ, दो दिनों से खाने की तलाश कर रही हूँ। पता नहीं ये कैसा जंगल है, यहाँ एक फलों का पौधा भी नहीं मिलता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं, अब तो लगता है मेरी भूख से जान ही निकल जाएगी। नहीं नहीं दादी अम्मा, ऐसा मत कहो, हम दोनों है ना, हम तुम्हारी मदद करते हैं। टुनटुनी दीदी, हमारे पास ढेर सारे फल हैं और हम दोनों तंदुरुस्त हैं। अगर हमारे पास ये फल ना रहे तो हम जंगल में से कहीं से ढूंढ कर खा लेंगे, मेहनत कर लेंगे, लेकिन ये बूढ़ी दादी क्या कर पाएगी। हम एक काम करते हैं, हम अपना सारा फल इन्हें दे देते हैं, कम से कम कुछ दिनों तक तो ये फल चलेंगे ना। पिंकी, मुझे तेरी सोच पर गर्व है, तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन तेरा दिल इतना बड़ा है मैं बता नहीं सकती। ये सारे फल इन्हें दे देते हैं, ये खाकर स्वस्थ हो जाएंगी। बूढ़ी दादी माफ करना, हमारे पास इतने ही फल हैं और हम तुम्हें इतना ही दे सकते हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। पता नहीं ये फल कितने दिन तक चल पाएंगे, लेकिन जो भी हो, हमसे जितना हो सकेगा हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर दोनों बहनें सारे फल उस बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। तभी बूढ़ी चिड़िया कहती है, बच्चियों तुम दोनों बहुत बहादुर हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, तुम दोनों ने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। ये लो, तुम एक खाली और सुरक्षित जगह पर इस मिट्टी को रख देना, फिर जो कमाल होगा तुम्हारी आंखें विश्वास नहीं कर पाएंगी, तुम दोनों की जिंदगी देखना कैसे सुधर जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से गायब हो गई। दोनों बहनें अचरज में पड़ गईं, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन दोनों ने मिट्टी की वो पोटली उठाई और वहाँ से चली गई। एक सुरक्षित जगह पर पहुँचने के बाद उन दोनों ने उस मिट्टी को धरती पर रख दिया। वहाँ रखते ही एक मिट्टी का घर निकल आया। वो घर बहुत सुंदर था। टुनटुनी और पिंकी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दोनों उस घर में चली गई। उन्होंने देखा कि उस घर में ढेर सारे बीज रखे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि ये बीज किस चीज के हैं। अरे पिंकी, ये देख, यहाँ पर ढेर सारे बीज रखे हुए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये किस चीज के बीज हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इसे बो कर देखते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। हाँ हाँ
हाँ टुनटुनी दीदी, हो सकता है कि इस मिट्टी की तरह ये बीज भी जादुई हो और इससे हमारी किस्मत बदल जाए। याद करो उस बूढ़ी दादी ने कहा भी था कि हमारी किस्मत और जिंदगी बदल जाएगी। ये कहकर दोनों बहनें घर के बाहर उन बीजों को बो देती हैं। अगली सुबह जब वो घर के बाहर आती हैं, तो वो देखती हैं कि जहाँ पर उन्होंने बीज लगाए थे वहाँ से ढेर सारे पेड़ निकल आए हैं, जिनमें स्वादिष्ट और सुंदर फल लटक रहे हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। वो दोनों जल्दी जल्दी पेड़ से फल तोड़ लेती हैं और खूब सारा फल खाती हैं। जब उनका पेट भर जाता है तो वो बचे हुए फलों को बाजार में ले जाकर बेच देती हैं। अब उन दोनों का यही काम हो गया था, वो रोजाना फल ले जाकर बाजार में बेचकर पैसे कमाती थी। इसी तरह उन दोनों की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।